सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. दिस इज ए कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी यूज ए टॉर्च. सो इन टॉर्च वी पुट टू और थ्री सेल्स लाइक दिस. सो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक सेल से हमें उतनी करंट नहीं मिल पाती है जितनी करंट हमें चाहिए, क्योंकि उस सेल में क्या लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट. और सपोज हमें चाहिए 4.5 वोल्ट, सो वी विल यूज़ थ्री सेल्स इन सीरीज लाइक दिस. नाउ सपोज एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज. दिस कॉम्बिनेशन इज सेंडिंग करंट आई इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. सो दिस इज सर्किट डायग्राम फ्रॉम फॉर दैट. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज स्मॉल आर एंड ई एम एफ इज कैपिटल ई. सो टोटल ई एम एफ ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन टाइम्स एंड टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो करेंट आई इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर. नाउ इफ कैपिटल आर इज लेस देन एन आर, सो वी मे इग्नोर इट. देन आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर. एन एन कैंसिल, सो आई इज इक्वल टू ई बाई आर. नाउ दिस ई बाई आर इज करेंट गिवेन बाई वन सेल ऑल्सो. सो इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर वी मे से दैट इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, देन बाई अरेंजिंग दिस सेल इन सीरीज is not useful for us. Cell will give, this battery will give the current as one cell will give the current to the circuit. Combination of cell is called battery. Now if external resistance is very large as compared to internal resistance, then I is equal to N E upon capital R. So in this case, to arrange the series cells in series like this is useful. Now series combination when EMF and internal resistance are not same. Suppose in this circuit we combine two cells in series. EMF of each cell is E1 and E2 and internal resistance R1 and R2. Let potentials of point AB and C are VA, VB and VC. These point VA, VB and VC. So VAB is equal to VA minus VB. एंड दिस इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन, क्योंकि हमें पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. सो वी इज इक्वल टू ई आर फार्मूला है आपने लगा दिया जो पहले आप पढ़ चुके हैं. सिमिलरली वी बी माइनस वी सी, वी बी सी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी, वी इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू. नाउ नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, दिस इज सम ऑफ दीज टू. वी मे राइट वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी प्लस वी बी माइनस वी सी. सो वी ए सी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू. सो इफ इक्विवेलेंट ई एम एफ इज कैपिटल ई एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, देन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू माइनस आई इंटू आर वन प्लस आर टू. सो इक्विवेलेंट ई एम एफ इज E1 plus E2 and equivalent resistance is R1 plus R2. So current drawn by external resistance capital R I is equal to E1 plus E2 upon R plus R1 plus R2. Parallel combination of cell. अगर हम cell के negative terminal एक साथ और positive एक साथ ऐसे जोड़ दें तो ये कहलाता है parallel combination. Suppose M cells each of EMF capital and internal resistance R are connected in parallel like this. So total current given by them is I, external resistance capital R. Now cells are connected in parallel, therefore equivalent internal resistance will be calculated like this. Suppose equivalent resistance, internal resistance is R1, so 1 upon R1 is equal to 1 by R plus 1 by R up to N terms. So R1 is equal to R by N. Now current I is equal to total EMF. So potential difference across resistance R, this
पॉइंट ए एंड बी आर सेम, सो ईएमएफ विल बी इक्वल टू, नेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू कैपिटल ई, सो आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस, सो आई इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम आर प्लस आर. नाउ इफ आर इज लेस देन एम आर, देन आई इज इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर, मीन्स इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लार्ज, देन करेंट गिवेन बाई दिस बैटरी विल बी इक्वल टू करेंट गिवेन बाई वन सेल, एंड इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन आई इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर, बिकॉज हेयर वी कैन निगलेक्ट टर्म स्मॉल आर, एंड फॉर दिस वी कैन निगलेक्ट टर्म एम आर. नाउ इफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज डिफरेंट एंड सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सपोज टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ई वन एंड ई टू एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड दिस बैटरी सेंडिंग करेंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज नॉट शोन हेयर, सो सपोज लेट नेट करेंट इज आई, सो इट इज़ क्लियर दैट नेट करेंट आई इज इक्वल टू वाई वन प्लस आई टू, टोटल करेंट आई इज इक्वल टू वाई वन प्लस आई टू. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस वेन करेंट इज गिवेन बाई दिस सेल इज, सेल नंबर वन इज आई वन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इज इक्वल टू वी, दिस इज इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन, आर आई वन आर वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी, आर आई वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी अपॉन आर वन. सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल VCD will also be equal to V. So from here, I2 is equal to E2 minus V upon R2. Now, put the value of I1 and I2 in first, from second and third. So I is equal to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. So I is equal to, arrange the terms, E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V inside the bracket 1 by R1 plus 1 by R2. I is equal to LCM of this is R1 R2. So I is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V R1 plus R2 upon R1 R2. Now you multiply both the sides by R1 R2 upon R1 plus R2. So on left hand side we get I into R1 R2 upon R1 plus R2. This is equal to, now solve this LCM of this is R1 R2. So this term becomes E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2, and multiply it by this R1 R2 upon R1 plus R2, because we are multiplying R1 R2 upon R1 plus R2 in both sides, and this becomes minus V because R1 R2 upon R1 plus R2 cancels it. So I, suppose this is R equivalent, so I into R equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 minus V. Since 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, so 1 upon R equivalent is equal to R1 plus R2 upon R1 R2, so R equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus. Now for this we can write E equivalent. So I into R equivalent is equal to E equivalent minus V, R E equivalent is equal to V plus I R equivalent, R V is equal to E equivalent minus I into R equivalent. Now again, E equivalent upon R equivalent is equal to, put the value of E equivalent, which is this from here, and R equivalent is R1 R2 upon R1 plus R2, and solve it. So R1 plus R2 and R1 plus R2 cancel, so E equivalent upon R equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2. This is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2. So E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 for n cells. E equivalent upon R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus 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 up to n terms En upon Rn, and 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 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 up to n terms 1 upon R1 Rn.
थैंक्स, हैव ए नाइस डे।